किसी भी सरकार की सफलता का बड़ा पैमाना ये माना जाता है कि प्रशासन लोगों तक पहुंचे, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसके लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने प्रदेश में लगातार नई तहसीलों का गठन कर प्रशासनिक विकेंद्रीकरण किया है। इससे सुदूर आदिवासी अंचल तक प्रशासन की पहुँच सुनिश्चित हो रही है। कोंडागांव जिले में धनोरा और मर्दापाल तहसील का गठन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। भूपेश सरकार ने शासन प्रशासन में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के साथ आम व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का फैसला किया। इस फैसले के अमल में आने से लोगों की जन भावनाओं की जहां पूर्ति हो रही है, वहीं इन क्षेत्रों को विकास के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए नया वातावरण मिल रहा है। दूरी का जो है कमी हो गई है और लोगों को जो है धनोरा में ही तहसीलदार की उपलब्धता होने के कारण बहुत सारे जो राजस्व संबंधी प्रकरण है उसका निपटारा वहां पे हो पा रहा है, संभव हो जा रहा है। कोंडागांव जिले के सुदूर आदिवासी अंचल धनोरा को हाल ही में तहसील बनाया गया है। केशकाल एवं फरस गांव तहसील से बनी धनोरा तहसील में 15 पटवारी हल्के एवं 56 ग्रामों को शामिल किया गया है। इसमें राजस्व निरीक्षण मंडल धनोरा के पटवारी हल्के नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के कुल 35 ग्राम तथा राजस्व निरीक्षण मंडल चनिया गांव के पटवारी हल्का नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के कुल 21 ग्राम शामिल हैं। धनोरा के लोग केस काल जाते थे, इनको अब यही सुविधा, जो भी सुविधा है राजस्व के मामले में तहसील बनने से, वो सुविधा तहसील कार्यालय धनोरा से उपलब्ध होने लगा है। या सुनवाई नहीं करते हैं, जैसे आधिकारिक पास भी जाता है, विभिन्न तरह के जो प्रकरण है तो जांच के लिए आता है, जांच करके फिर हम जो है उच्च अधिकारी को, उच्च कार्यालय को भेजते हैं। तहसील के वो घोषणा किए और जो सुचारू रूप से चल रहा है हमारे क्षेत्र के, बहुत ही बड़ा उपलब्धि है सर। धनोरा के तहसील बनने से स्थानीय लोगों को काफी राहत मिली है। अब उन्हें अपनी राजस्व व अन्य कार्यों के लिए 25 से 30 किलोमीटर दूर केशकाल व फरस गांव तहसील जाने की जरूरत नहीं है। तो छोटी छोटी कार्य जो होते थे हमारे यहाँ पे, वो पट्टा का हो गया, छोटे छोटे पेशी के रूप में, बहुत अच्छा उपलब्धि प्राप्त हुआ है, क्षेत्र के लोगों को इससे बहुत बड़ा फायदा मिला है। केशकाल, फरस गांव, ये देवगांव वाले हैं, तो देवगांव वाले भी बहुत आना जाना में बहुत लंबा हो गया था, तो अभी यहाँ धनोरा खुल गया तो हमको अच्छा लग गया है। और परेशानी होता था जाने में फिर आने के लिए, अब यहाँ तहसील बना तो अच्छा लग रहा है हमको, कुछ सुविधा, समय भी बच जाता है घर में जाने के लिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि सत्ता आम लोगों के द्वार तक पहुँचे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकतंत्र की इस खूबसूरती को अपने संवेदनशील फैसलों से लगातार निखार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।